नूरपुर के तहत पड़ने वाली पंचायत सुलियाली के वार्ड सदस्य भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। भूख हड़ताल पर बैठने का प्रमुख कारण महिला पंचायत प्रधान द्वारा इन सदस्यों को विश्वास में लिए बगैर विकास कार्यों को करवाना है। इन सदस्यों की माने तो विकास कार्यों में इनकी सहभागिता बिल्कुल शून्य है। यही कारण है कि 15 वार्ड सदस्यों में वार्ड नंबर 2 के मेंबर को छोड़कर बाकी सभी पंचायत सदस्य उप प्रधान नरेश कुमार की अध्यक्षता में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। पंचायत उप प्रधान नरेश कुमार का कहना है कि पंचायत में भारी मतों से उन्हें जिताया था, लेकिन उन्हें अफसोस है कि वे लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इसका कारण पंचायत प्रधान द्वारा अपनाया जाने वाला तानाशाही रवैया है, जिसमें हर कार्य को प्रधान अपनी मनमर्जी से करती है और किसी भी सदस्य को विश्वास में नहीं लिया जाता है। वार्ड सदस्यों की माने तो जो सरकार द्वारा नोटिफिकेशन है उसमें साफ लिखा है कि पंचायत सदस्य अपने वार्ड में होने वाले कार्य का विवरण खुद रखेगा और जो भी सामान की खरीद फरोख्त होगी वे वार्ड मेंबर की देखरेख में होगी, लेकिन पंचायत प्रधान इन नियमों को दरकिनार कर हर काम सिर्फ खुद करती है और सदस्यों को मात्र हस्ताक्षर करने पर बाध्य करती है। जो भी काम हुआ हो उसकी जिम्मेदार वो होंगे। उनका कहना है कि अगर उन्होंने कोई काम किया ही नहीं तो उसकी जवाबदेही वे क्यों लें। पंचायत उप प्रधान के साथ इन सभी सदस्यों का कहना है कि वार्ड मेंबर के अधिकारों के प्रति जो सरकारी नोटिफिकेशन है उसे लेकर सभी ने 8 तारीख को पंचायत सेक्रेटरी को प्रस्ताव डालने को दिया था, लेकिन पंचायत सेक्रेटरी भी प्रधान का रबर स्टैंप बना हुआ है जो उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करता। यही कारण है कि अब तक वो प्रस्ताव नहीं डाला गया, जिस कारण वे आज भूख हड़ताल पर बैठने पर बाध्य हैं। एक वर्ष डेढ़ वर्ष पूर्व लगभग 1700 मत देकर मुझे प्यार दिया था, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि मैं उन लोगों को के प्रति कुछ भी नहीं कर पाया डेढ़ वर्ष में। इसमें कहीं ना कहीं हमारी पंचायत में कुछ राजनीति का समावेश हो गया। आज भी मैं नहीं चाहता, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, मैं नहीं चाहता था कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे हमारी पंचायत की निंदा हो। आज मुझे बहुत मजबूर होकर आज से लगभग 4 दिन पहले हमने एक प्रस्ताव पटल पे रखा था, जिसमें ये सरकार द्वारा जो निर्धारित गाइडलाइन है उसमें लिखा था कि जो वार्ड सदस्य है वो अपना काम खुद करवाएगा, उसका सामान भी खुद खरीदेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हमारे प्रधान जी ने यहाँ वक्तव्य दिया था आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व कि मनरेगा आपका और चौना आयोग मेरा, उसी के तहत इनको मनरेगा में बताए रखा। और जो कार्य अभी तक मुझे लगता है जो केंद्र सरकार से राशि है लगभग अप्रोक्सीमेटली मुझे जहाँ तक अंदाजा है, क्योंकि एक पूरा विवरण तो मुझे बताते नहीं है। आज मजबूरन होकर मैंने ये किया कि मिली वक्त से ये कार्य हो रहा है सेक्रेटरी और प्रधान जी के बीच, संपूर्ण सदस्यों को विश्वास में ना लेते हुए ये कार्य अपनी मर्जी से पिक एंड चूज का फार्मूला अपनाते हुए आज जो प्रायोरिटी तौर पर यहाँ गंदगी फैली हुई है कि हरिजन बस्ती है, आज मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ चलें और मैं आपको गली बताता हूँ कि वहाँ क्या स्थिति बनी हुई है। महामारी फैलने का डर है, लेकिन उसका कार्य नहीं हुआ। उसी के लगते एक ऐसा रास्ता है, यहाँ जरूरत भी नहीं थी, वो बनाया गया। तो प्रस्ताव की कॉपी हमने दी इनको, उसके बाद इन्होंने आनाकानी की। सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि मुझे जानकारी नहीं है, मैं सलाह करवा लेता हूँ। वीडियो साहब से मेरी बात हुई फोन पे, लेकिन उन्होंने ये मुझे उत्तर दिया कि मौखिक रूप से करने से बेहतर है कि आप कार्यालय में आ जाएं। लेकिन मैंने कहा कि आपको इसमें आपत्ति क्या है कि ये जो प्रस्ताव है गाँव के हित में है, जनहित में है, और मेरे वार्ड सदस्यों के जनहित में है, ताकि वो अपना अपने कार्य क्षेत्र में वो ठीक तरीके से काम करवा सके। और मैं भी ये चाहता था, डेढ़ वर्ष पहले मैंने पंचायत में खड़े होकर बोला था कि जो कार्य है वो हर बार सदस्य करवाएगा, ईमानदारी से करवाएगा, हम उसकी गुणवत्ता को देखने के लिए समय समय पर आते रहेंगे और सुझाव भी देते रहेंगे। आज उसी के लिए हमने एक प्रस्ताव रखा मेजोरिटी ऑफ हाउस ने, लेकिन आज लगभग चार दिन हो गए हैं ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। आज भी जब इन्होंने बोला कि अभी मैं फिर पूछ लेता हूँ, छुट्टियां थी कल, पिछले कल मैं नहीं जा पाया, आज जाऊंगा कल जाऊंगा, अंततः मुझे एक मजबूर कदम उठाना पड़ा, क्योंकि मेरी हार्दिक इच्छा थी कि गांव का विकास हो और ये वार्ड सदस्य जो है वो अपना अपना कार्य ईमानदारी से करते हुए
इस गांव को एक ऐसे स्तर पर ले जाएंगे जिसका आदर्श गांव की ओर ले जाएंगे। यही मेरी हार्दिक इच्छा थी, लेकिन उसमें कहीं कमजोरी दिखी तो मैंने ये प्रस्ताव रखा। अभी प्रस्ताव अभी तक पारित नहीं, इसलिए मैं लोकतंत्र का गला घोंटा गया। और पंचायत में कितने वार्ड मेंबर है और कितनी जो है पंचायत के खिलाफ? सर यहाँ 13 वार्ड में वार्ड सदस्य हैं और सारे के सारे ईमानदार स्वच्छ छवि वाले हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, तो आपके साथ कितने खड़े जो इस समय 11 वार्ड सदस्य जैसा आप देख रहे हैं वो मेरे साथ हैं। अच्छा, मेरे साथ नहीं पूरे पंचायत के साथ है, क्योंकि ये पंचायत का कार्य है। और इस वक्त क्या धरना, किस प्रकार का धरना दे रही है? मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा जब तक ये पारित नहीं होता, मैं यहाँ से नहीं उठूंगा। मैं इस जब सिर्फ आप ही बैठेंगे और बाकी सारे सदस्य हूँ, और हमारे मैं भी उप प्रधान जी के साथ हूँ। उप प्रधान जी के साथ भी मतलब कि पूरे पब्लिक के साथ है हमारा, क्योंकि लोकतंत्र की एक तो हत्या हुई है, दूसरा कि आज तक मैं 2 साल में सिर्फ एक कार्य करवा सका हूँ, मनरेगा एक खड्डे का। उसके बाद जो है आनाकानी मतलब सेक्रेटरी के द्वारा भी, टेक्निकल द्वारा भी, ना तो एस्टिमेट बनाया जाता है, ना तो सेक्रेटरी क्लियर बताता है, ना तो प्रधान उनको पता नहीं, उन्होंने अपना राजनीति तौर पर ले लिया, और अभी तक एक भी कार्य जो है उसके बाद नहीं करवाया गया। और ये तो उप प्रधान जी ने सिर्फ 2 बजे का कार्य करवाया गया, लेकिन फिर भी क्योंकि वो भी ये था कि सदस्यों के द्वारा हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपने अधिकार से वंचित हैं। इन्होंने हर एक चीज़ पे ठेकेदारी प्रथा चला रखी है, अपने पास ही सारा कुछ जो भी कार्य करवाए प्रधान के द्वारा खुद ही करवाए जा रहे हैं, बाद में जा रहे हैं। आपकी हिस्सेदारी इसमें जो शून्य है, हिस्सेदारी इसमें शून्य है, विकास में वो आपकी बधाई नहीं दी हो, चाहे विकास में जो है वो शून्य हो। मैं बाई इलेक्शन में बना था, तब तक पंचायत को बने हुए 6 महीने हो चुके थे। अच्छा, जब से हम पंचायत में आए हैं तानाशाही पूर्ण पंचायत में रवैया है हमारी प्रधान का। अच्छा, और जो सेक्रेटरी है वो एक जैसे प्रधान का एजेंट बन के कार्य कर रहा है। अच्छा, हमारे जो लोकतांत्रिक कार्य हैं, जैसे कि हमने ये जो प्रस्ताव डाला था, इस प्रस्ताव में हमने साथ में चिट्ठी संलग्न की हुई है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है जिसमें पंचायत का जो कार्य है वो उसकी सारी जिम्मेदारी वार्ड मेंबर की है, और वार्ड मेंबर स्वयं करवाएगा, क्योंकि हमें चुना गया है तो इसलिए हम जवाबदेही हमारी वार्ड की तरफ बनती है। लेकिन इन्होंने ये प्रस्ताव पास करने से लगभग साफ मना कर दिया, तालम टोट हो गया है। हाउस जो है हमारा, उसमें हमारे 15 सदस्य हैं और 12 सदस्य जो हैं वो इस प्रस्ताव को चाहते हैं, सिर्फ प्रधान और 2 वार्ड मेंबर जो है उनके साइन नहीं है। तो आज हमें इसलिए बैठना पड़ा क्योंकि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हम इसके उपप्रधान जी के साथ हैं, जब तक ये बैठेंगे भूख हड़ताल पर तब तक हम इनके साथ। वहीं इस मुद्दे पर पंचायत प्रधान किमी देवी का कहना है कि ये सब राजनीतिक षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। उनकी मानो तो सभी पंचायतों में सभी के सहयोग से एक समान विकास कार्य किया जा रहा है। धन्य प्रदेश में भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इनका आरोप है कि जो प्रधान जी को साथ लेकर नहीं चलते और जो भी हिस्सेदारी पे विकास करेंगे उनकी हिस्सेदारी उसमें नहीं होती। क्या बोलना चाहिए उसको? ऐसा कुछ नहीं है, सभी वार्ड पंच साथ हैं और 1.5 साल हो गए मेरे को प्रधान बने हुए, आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। यही मेरे ऊपर राजनीतिक इशू बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, जो भी काम हुए वो वार्ड पंचों की देख रेख में हुए, ना कि मैं तो सिर्फ देखने ही जाती हूँ। नॉर्मली सब वार्ड पंचों को बता दिया जाता है कि यहाँ पे काम है, आप खुद देख रेख करो, वार्ड पंच खुद ही देख रेख करते हैं और हर मस्टोर में वो साइन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पूरी कार्रवाई होती है, हर मीटिंग में आते हैं। मेरे को वार्ड पंचों से कोई भी गिरा शिकवा नहीं है। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मेरे ऊपर जो है ये राजनीतिक इशू बनाया जा रहा है। और 4 दिन पहले वो बोलते हैं अभी तक आप स्वीकार नहीं किया गया, क्या है? ऐसा कुछ नहीं है, हम इनको प्रस्ताव दे रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मतलब जो प्रस्ताव दिया वो आप मान रहे हैं उसको? हाँ जी। वहीं पंचायत सेक्रेटरी सुरेश कुमार से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने ऊपर लगाए आरोपों को दरकिनार करते हुए कहा कि जब उन्हें 8 तारीख को प्रस्ताव की कॉपी दी गई तब उन्होंने इसे लेकर डिस्कस करने की बात कही, लेकिन व्यस्तता होने के कारण वो इस प्रस्ताव को नहीं डाल सके।
नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा। मैंने तो जो जिसकी ये इन्होंने डिमांड की हुई है ना, मैंने तो 6 महीने पहले से रेजुलेशन डाला हुआ है कि जो संबंधित वार्ड सदस्य जो वो अपने वार्ड में किए जाने वाले कार्य के लिए जो भी चीजें होगी वो उपलब्ध कराएगा और उसकी जिम्मेवारी होगी। और जो इन्होंने 8 तारीख को दिया हुआ ये एप्लीकेशन दी रेजुलेशन डालने की, मैंने इनको कहा 8 तारीख को कि मैंने 2-4 दिन में जो डिस्कस करना है इसका मसले में, ठीक है। डिस्कस मीन्स की कल को मैं कर नहीं सका, आज मैं इधर आ गया, लेकिन फिर भी मैंने फोन फान पर कॉन्टैक्ट करके जो इनका प्रस्ताव डाल दिया अब इनको दे दिया जाएगा। अच्छा। हाँ जी, जो इन्होंने लिखा है मैंने पूरे इनको संतुष्ट करवा दूंगा। अभी क्या इनका रोष किस चीज को लेकर फिर क्यों बैठे हैं? हाँ जी, रोष किस चीज को लेकर इनका क्यों बैठे? रोष तो मेरे को नहीं पता, जो प्रस्ताव के लिए मेरे को कहा मैंने तो डाल दिया। ठीक है। इस मुद्दे पर खंड विकास अधिकारी नूरपुर राकेश सहोत्रा से इस संबंध में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे इस संबंध में कुछ नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि वो इस संबंध में जानकारी जुटाएंगे और यथाशीघ्र मामले को सुलझाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो जांच करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो सुलियाली पंचायत में 11 वार्ड मेंबर हैं जो प्रधान के कार्यप्रणाली से खुश नहीं है, आज वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आपको क्या नॉलेज इसके बारे में, किनका की सबसे इस पर क्या कार्य की जाएगी? इसके बारे में अब मुझे कुछ भी पता नहीं है कि वो कौन कौन जो वार्ड पंच या प्रधान के बारे में उनकी क्या बात हुई और वो जो बैठे हैं किस कारण बैठे हैं। जैसे कि मुझे अभी आप द्वारा ही ये जो है वो ये पता लगा है, तो इस बारे में अगर कोई भी जाँच होगी तो उसके बारे में हम जाँच करेंगे कि ये किसकी गलती है और किसकी नहीं है, और जो हमारे सामने मामला आएगा उसको हम जैसे सरकार के दिशा निर्देश होंगे उन दिशा निर्देशों के अनुसार जो है वो कार्रवाई जो है वो की जाएगी। कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी वहाँ पर ऐसा कोई घटना घटी है उसके बारे में मैं और मेरे कार्यालय के जो कर्मचारी हैं वो तो कहना जाएंगे और रिकॉर्ड के अनुसार जो है वो उनको जो काम होगा जो ऐसी बातें होंगी उनको खंगालेंगे, तभी हम जो है इसके बारे में कार्रवाई करेंगे। सर मामला भूख हड़ताल का, क्योंकि वो भूख हड़ताल पे बैठे हैं। भूख हड़ताल के बारे में मुझे पता नहीं लगा, फिर भी मैं इसके बारे में जो है वो स्वयं जाऊंगा और इसके बारे में पता करूंगा कि क्या बात है, किन कारणों के कारण वो भूख हड़ताल में बैठे हैं। ठीक है।